हिमाचल पेंशनर संघ चंबा की मासिक बैठक शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग परिधि घर चंबा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रधान प्रेम सिंह बेदी ने की। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के साथ साथ चंबा शहर की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत मंथन किया गया। अध्यक्ष प्रेम सिंह बेदी ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2016 से दिया है, इसकी स्वीकृति तुरंत दी जाए ताकि पेंशनरों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त पेंशनरों का मेडिकल भत्ता कई वर्षों से लंबित पड़ा है, इसका जल्द ही भुगतान किया जाए। खाद्य ग्राम उद्योग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नए वेतनमान के मुताबिक पेंशन का हर माह भुगतान करने की मांग भी उठाई गई। इन कर्मचारियों को 3 माह के बाद पेंशन का भुगतान किया जाता है, लेकिन अब बीते कुछ समय से ये अवधि 3 माह से भी अधिक हो चुकी है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम पवन कुमार बेदी है और मैं रिटायर एज ए प्लानिंग ऑफिसर हुआ हूँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। आज हमारी हिमाचल पेंशन संघ की मासिक बैठक आज दिनांक 7/2023 को माननीय श्री प्रेम सिंह बेदी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें हमने निम्नलिखित प्रकार के कुछ जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी वर्ग जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो 1/1/2016 से बाद और उससे 1/1/2016 से पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके कईयों के अभी तक जो उनकी पेंशन के केस हैं फिक्सेशन के जो एजी हाउस में गए हैं वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और उस बारे में हमने सरकार से और अनुरोध किया है कि उन केसों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, ताकि लोगों को उनका जो एरियर वगैरह है और वो पैसे मिले। साथ में हमने ये भी अनुरोध किया सरकार से कि जो भी कर्मचारी अधिकारी रिटायर हैं, उनका जो एरियर बना हुआ है पेंशन का, वो एक मुश्त दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी ठीक तरीके से करें। कईयों की बच्चों की शादी ड्यू है, उसके लिए पैसा लगता है, तो इसलिए वो बहुत चिंतित है कि सरकार द्वारा हमें इसका एरियर नहीं दिया जा रहा। और सरकार से अनुरोध है हमारा कि जो रिटायर कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, उनका जो है पेंशन का एरियर जो है एक मुश्त दिया जाए। दूसरा मुद्दा है, कुछ कर्मचारी खादी बोर्ड से भी रिटायर हुए, उसमें लेडीज भी हैं जेंट्स भी हैं, उनका भी हर बार यही मुद्दा आता है कि उनको पहले जिनको पेंशन लगी हुई है खादी बोर्ड से, उनकी पेंशन पहले उनको 3 महीने में देते थे, 3-3 महीने में देते थे, लेकिन वो जो कर्मचारी वर्ग है वो हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमें जो पेंशन है, जैसे सभी को एक पर मंथ में दी जाती है, तो हमें भी पर मंथ दी जाए। इसके लिए हमने सरकार से पिछली मीटिंग में अनुरोध किया था, लेकिन उस पर सरकार का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ आज तक कि उनको पेंशन पर मंथ में मिल जाए। इसके साथ उन्होंने यही बताया कि अब जो 3 महीने में जो हमें पेंशन मिलती थी ना, वो पेंशन भी अब 3 महीने से बाद मिल रही है। उनका ये अनुरोध है सरकार से कि उनको पेंशन जो हर महीने दी जाए, ताकि वो भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण ठीक तरीके से कर सके। इसलिए सरकार से हमारा भी यही अनुरोध है कि उनको ये केस जो फाइल किया जाए, उनको पेंशन जो हर महीने दी जाए। तीसरा मुद्दा जो है वो है मेडिकल अलाउंस का। हमारे कर्मचारी अधिकारी वर्ग के काफ़ी मेडिकल जो बिल्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट में, जहाँ जहाँ से रिटायर हुए। तो सरकार ने आज तक बजट भी पास तो हो गया है, लेकिन आज तक मेडिकल का बजट हमारे डिपार्टमेंट में या जहाँ जहाँ से हमारे बिल पेंडिंग है, पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, जो उसमें नहीं आया, तो सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्द हमारा ये मेडिकल का जो बजट है उसको भी रिलीज किया जाए, ताकि कर्मचारियों के कईयों के तो इतने बिल हो चुके हैं कि उनके कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका दवाइयाँ खाते हैं तो उनका बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उनको काफ़ी मुश्किल आ रही है। तो सरकार से ये भी अनुरोध है कि काइंडली उस मेडिकल जो मेडिकल बजट है वो तुरंत दिया जाए, ताकि कर्मचारी अधिकारी वर्ग को इसकी राहत मिले। साथ में बाकी जो मुद्दा लोकल का है, वो तो पिछली बार भी डिस्कस किया था कि यहाँ कुछ ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है, जैसे 2 पहिए वाहन है या कुछ भी है, बाकी ये नीचे कसागड़ा जो रोड है इसमें काफ़ी दो पहिए के वाहन जो है चलते रहते हैं, उससे लोगों को चलने फिरने की बड़ी मुश्किल आ रही है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है SP साहब से कि इसकी जो है ट्रैफिक का जो है इसको चंबा में शहर में ठीक किया जाए, और
कुछ सुचारू रूप से ताकि लोगों का आना जाना हो सके, क्योंकि कहीं हॉस्पिटल में जब जाते हैं मरीज को लेकर जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल आती है, कहीं वहाँ टैक्सी लगी होती हैं, कहीं गाड़ियाँ लगी होती हैं, तो काइंडली हमारा अनुरोध है कि लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र की रिपोर्ट।